हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग ग्रुप्स फ्रॉम यूकैरेटिक माइक्रोब्स प्रीवियस क्लास में हमने दो ग्रुप्स डिस्कस किए हैं दैट इज अ एंड एंडजा इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले अबाउट अलगी एंड वायरसेस तो यू कैरेट में से ये दो ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर्स लिए हैं तो इसमें से इस साइड पे ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर में ये क्या है अलगी है और यहाँ पे जो लिए है मैंने ये पिक्चर्स लिए हैं मैंने सारे वायरसेस के तो आज के क्लास में हम ये दो ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो पहले देखते हैं हम अलगी के बारे में तो अलगी की जो साइज़ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली टेन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर है और ये जो ऑर्गेनिज़म्स है ये टोटली totally एक्वाटिक है कैसे है टोटली एक्वाटिक यानी कि ये कहाँ पे ग्रो होते हैं कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं हमें सिर्फ वाटर में जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर होता है तो वहाँ पे ये क्या करते हैं ख़ुद को ग्रो करते हैं यू है यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है यूनिसेल्युलर है यानी कि सिंगल सेल के है, और यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दिया है। ग्रीन कलर देख के हमें इससे पता चलता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट है इसमें क्लोरोफिल ये क्लोरोफिल क्या होता है तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लगता है तो जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्लांट्स तो वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इसकी वजह से इनको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा गया है फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है क्लोरोप्लास्ट इसमें ये पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल जो भी इसकी सेल होती है यूनिसेलुलर है एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर कीजिए ये सेल का स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल है तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स लिए क्लोरेला एंड क्लाइमोनास तो कुछ स्पेसिस जो है वो यूनिसेलुलर है तो कुछ स्पेसिस इनके मल्टी सेलर है एंड विजिबल विथ अवर नेकेड आइज मल्टी सेलर होने की वजह से इनकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी लार्ज होती है और इसकी वजह से ये हमें ऑब्जर्व हो सकते हैं अपने ओपन आइज से भी तो हमने ये स्टैगनेंट वाटर में हमें रेनी सीजन में ये बहुत जगह पे देखने के लिए मिलता है कभी कभी जहाँ पे मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं तो वहाँ पर भी ये खुद को ग्रो कर लेते हैं तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अलगी जो कि यूकैरेटिक माइक्रोब्स का एक ग्रुप है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट वायरसेस तो वायरसेस के लिए मैंने यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो वेल नोन एग्जाम्पल है हमारे लिए जो कि रिसेंट इशू चल चल रहा है इसकी वजह से तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है कोविड नाइन्टीन का ये वायरस है अब इनके बारे में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है इनके वो स्टडी करते हैं इनकी साइज़ अगर हम देखते हैं तो इनकी साइज़ है टेन नैनोमीटर टू हंड्रेड नैनोमीटर अब तक जो भी हमने एग्ज़ाम्पल्स पढ़े ग्रुप्स देखे हैं वहाँ पे जो हम साइज़ देखते थे तो वो साइज़ मेजर की जाती थी माइक्रोमीटर में सारे ग्रुप जो भी हमने पढ़े उनकी साइज़ हमने मेजर की थी माइक्रोमीटर में अब यहाँ पे इसकी साइज़ जो है वो है नैनोमीटर में यानी कि माइक्रोमीटर से भी छोटा यूनिट जो है वो है नैनोमीटर यानी कि जो भी ग्रुप्स हमने अभी पढ़े हैं तो उन ग्रुप में से ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज़म का ग्रुप है जो भी यू माइक्रोब्स के ग्रुप्स हमने पढ़े या प्रोकेरेटिक बैक्टीरिया भी हमने देखे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो भी ग्रुप्स है इसमें से स्मॉलेस्ट साइज़ का जो ग्रुप होगा वो कौन है वायरसेस का ग्रुप है अब ये जो वायरसेस होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज़ के और अगर हम बैक्टीरिया के साइज़ से कंपेयर करते हैं तो इनकी साइज़ टेन टू हंड्रेड टाइम्स स्मॉलर होती है बैक्टीरिया से अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या है एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐट द एज कहा यानी कि बाउंड्री के यहाँ पर प्रेजेंट है हम उसको ना ही लिविंग थिंग्स ऐसे कंसिडर कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एट द एज क्यों है वायरसेस तो वायरसेस जब तक होस्ट के सेल को इन्फेक्ट नहीं करते या होस्ट के सेल या टिश्यू के अंदर जब तक वो एंट्री नहीं करते हैं तब तक वो नॉन लिविंग है तब तक वो कैसे है नॉन लिविंग है अब जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं लिविंग सेल को प्लांट हो या फिर एनिमल हो इसके लिविंग सेल को जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो क्या करेंगे ये खुद को वहाँ पे उस होस्ट के बॉडी में से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और खुद को रेप्लिकेट करते हैं जब इनकी सेल फॉर्म होती है ये लिविंग बनते तब क्या करते है? जो होस्ट सेल थी उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसको ये क्या करेंगे डिस्ट्रॉय करेंगे और ख़ुद को रैपिडली वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसके रेप्लिका फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो वायरसेस होते हैं इनके सराउंडिंग में प्रोटीन का कोट होता है जो कि बहुत ही टफ मटेरियल है प्रोटीन का कोट जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है तो प्रोटेक्ट का प्रोटीन का कोट जो होता है वो इनके सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है अब यहाँ पे देखिए ये जो वायरसेस होते हैं तो उनके अंदर हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए ये लॉन्ग मॉलिक्यूल है मतलब जो डीएनए सॉरी जो वायरसेस बने हैं तो उनमें डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अब ये डीएनए एंड आरएनए क्या है तो डीएनए मतलब डी राइबो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए क्या है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आर क्या है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है अब ये हम इन डिटेल आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने के लिए मिलेगा डी एन बट सिंपली डी क्या है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो मटेरियल होता है न्यूक्लियर मटेरियल वो होता है डी तो वायरसस में डी या फिर आर प्रेजेंट होता है तो इसमें प्रोटीन का कोट होता है और जब तक ये प्लांट या फिर एनिमल्स के लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पे एंट्री किया है इन्फेक्ट किया है तब तक ये क्या है लिविंग है और जब जैसे ही ये होस्ट के बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे तब वो क्या है नॉन लिविंग है इसकी वजह से इनको कहाँ पे रखा गया है एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो यहाँ पे हमने स्टडी किया दो ग्रुप्स को अलगी एंड वायरसेस को अलगी जो है वो एक््रॉपिक है एक्वाटिक है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है कुछ यूनिसेलुलर है तो कुछ मल्टी सेलुलर है और वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा कि साइज़ जो है इनकी वो टेन नैनोमीटर टू तो हंड्रेड नैनोमीटर है यानी कि स्मॉलेस्ट साइज़ है बैक्टीरिया से भी ये स्मॉल होते हैं और ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और इनके अंदर ये जो वायरसेस है ये क्या है डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय प्रोटीन कोट इनके सराउंडिंग में प्रोटीन का लेयर प्रेजेंट है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है और ये जब तक लिविंग सेल के अंदर यानी कि होस्ट के बॉडी के सेल में अगर ये इन्फेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंट है तब तक ये क्या है लिविंग है तो ये हमने अभी पढ़ा वायरसेस के बारे में तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स ये कंसेप्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो वायरसेस जो है उसके अगर हम डिसीज़ेस देखने देखते हैं तो ये प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं और एनिमल्स को भी ये इन्फेक्ट करते हैं तो इन्फ्लुएंजा का भी वायरस है फिर टोमेटो विल्ट वायरस है जो कि प्लांट के स्पेसिस के ऊपर अपना इफेक्ट उसको इन्फेक्ट करता है तो कुछ बहुत सारे ऐसे डिसीज़ेस है जो कि वायरल डिसीजेस है बिकॉज ऑफ वायरसेस होते हैं तो वायरसेस जो है वो कैसे है पैथोजेनिक है यानी कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है तो यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है